कैलीग्राफी का शौक कैसे पैदा हुआ मैंने अम्मी से कहा मैंने फाइन आर्ट्स पढ़नी है तो शी वाज लाइक कि अच्छा चलो फाइन आर्ट्स अगर पढ़नी है तो फिर पेंटिंग मेजर ना रखो फिर खताती मेजर रख लो किस तरह से आपने तजुर्बात का शुरू शुरुआत शुरु की ही था ये मेरा बेसिकली तो उसी में ये चीज बन के सामने आई थी सब पहले सबसे पहले मैंने एक देगची बनाई थी देगची से फिर थ्री में आती गई लकड़ी में आती गई मिरर के ऊपर आती गई जब बचपन में लोग डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे आप बर्तनों से खेला करती। मैं करती थी स्केच बुक के ऊपर ना ड्रॉइंग करती थी क्या ऑनलाइन आप इस चीज को लेकर आई है या फिर आप फिजिकली किसी मार्केट में या किसी जगह पे किसने आप डील करती है कुछ क्लाइंट्स डायरेक्टली भी आ जाते हैं मेरे पास जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू आ जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो वह भी मेरे साथ डायरेक्ट डील करते हैं कितना कमा लेती है डेली का थ्री, थ्री धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन नाजरीन आज हमारे साथ एक ऐसी टैलेंटेड लड़की मौजूद है जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट है नाजरीन घर के बर्तनों को तोड़ पोड़ कर ये तजुर्बात कर, कर कर के कामयाब हो गई है और नाजरीन इनसे बात करते हैं इनसे जानते हैं कि कैसे ये कैलीग्राफी फील्ड में आई और कैसे इनकी जिंदगी का

तो शी वॉज लाइक अच्छा चलो फ़ाइन आर्ट्स अगर पढ़नी है तो फिर पेंटिंग मेजर ना रखो फिर खताती मेजर रख लो मैंने कहा चलो ठीक है अगर मुझे फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने की इजाज़त दे रही हैं तो साथ में ख़ाती मेजर रख लेती हूँ मेजर रख ली शुरू कर दिया सर सिखाते थे बाकी क्लासेस होती थी सारी हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग फलाना फलाना साथ ही खताती की क्लास शुरू हो गई शुरू शुरू में वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करती रही दो साल तक खत खत सीखे तीन ख़त सीखे उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स ने भी थोड़ा सा मोटिवेट किया गाइड किया और फिर मेहनत भी थोड़ी सी की दुआएं भी थी पेरेंट्स की तो फिर आज काम जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट तरफ आता गया सही हो गया मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने तजुर्बा किए हैं इसको अब आप थीसिस का भी नाम देंगे किस तरह के किस तरह से आपने का शुरू शुरुआत की थीसिस थी था यह मेरा बेसिकली 2015 में मुझे सर शिबली मेरे उस्ताद हैं उन्होंने स्टार्ट जब थीसिस कराया था तो उसी में ये चीज़ बन के सामने आई थी पहले सबसे पहले मैंने एक देगची बनाई थी जिसकी तकरीबन तो इसी टाइप की उसकी शक्ल भी इसी तरह से थी और उसके ऊपर भी अल्फाजी थे और फिर मैंने कुर्सी और एक मेज़ बनाई और पहले लकड़ी में काम किया उसके बाद मेटल में तो फिर ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर मॉडिफाई होती गई और देखती से फिर थ्री डी में आती गई लकड़ी में आती गई मिरर के ऊपर आती गईं और वहीं से स्टार्ट था जब बचपन में लोग डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे आप बर्तनों से खेला करती थी मैं ड्राइंग करती थी मैं कॉपी के ऊपर कॉपी की बैक साइड पे स्केच बुक के ऊपर ना ड्राइंग्स वगैरह करती थी की दीवारें सच बताना आपने भरी है कभी पेंटिंग करके या भरी से डांड भी पड़ी भरी है और वो उतार उतार के वो खाई भी है दीवार का वो जो वाइट पेंट होता है उस पर पड़ी थी एक दफा मतलब इस टैलेंट का जो उनका फायदा है वो भी होता है अब आप बच्चों को सिखा रही है की आप जो मिट्टी खाते हैं कैलीग्राफर बन सकते हैं मिट्टी खा के बिल्कुल तो बस यही था कि शुरू से ये नहीं था और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को ना इस तरह कभी ना कहें कि ये पढ़ो यही फील्ड पढ़ो और इसमें मुझे नंबर भी चाहिए नहीं। एक तो फील्ड भी अपनी मर्जी की पढ़ा रहे हो ऊपर से आपको नंबर भी अपनी मर्जी की चाहिए तो इस तरह नहीं तो अलहमदल मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऐसे कुछ नहीं था कि जी यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उन्होंने जब मर्जी पर छोड़ा कि ठीक है अगर शौक है फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाहती है तो चली जाए तो जब पढ़ी और फिर अलहमद नंबर भी आए फिर मेडल्स भी लिए टॉप भी किया सारा कुछ हुआ तो फिर अलहमद ऑल गुड हमारा ये बताइएगा ये जो भी आप काम करती है कैलीग्राफिंग का तो क्या ऑनलाइन आप इस चीज़ को लेकर आई हैं या फिर आप फिजिकली किसी मार्केट में या किसी जगह पर किसने आप डील करती हैं अच्छा आर्ट की मार्केट ऐसे अब दुकान तो नहीं होती आर्ट आर्टिस्ट दुकान नहीं खोलते हमारी एग्जीबिशन होती है तो एग्जीबिशन में काम डिस्प्ले होता है वहाँ से क्लाइंट आता है गैलरी उससे डील करती है

से हैं और माशाल्लाह ये भी अलग भी अलग अपने भी लेती हूं। समारा ये जिस तरह से कोशिशों में लगी हुई है कितना कमा लेती है महाना <laughs> अच्छा कमा लेती हूँ फिर भी <laughs> देखिए ना आप हमारे अम माशरे के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन है काम और सैलरी और सारा कुछ मिला के

हाँ लेकिन उस महाना कमाने के पीछे वो दो साल की लगातार मेहनत थी यानी दो साल लगातार काम करके तो फिर वो जब काम सेल हुआ था तो वो इतने का तक स्टार्ट में स्ट्रगल तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ही और ये नहीं है कि डिग्री है तो कमा लोगे या शौक है तो खाली शौक से नहीं कमाया जाता आपको काम करना पड़ेगा का, लगातार काम बहुत सारा प्रोड्यूस करो बहुत सारा काम पच्चीस तीस आर्ट वर्कस होंगे तो फिर एक एग्जीबिशन होगी और फिर उसमें आप फिर उम्मीद लगा सकते हो और दूसरी बात कि इस काम को करने के लिए आपका टाइम के साथ साथ आपके अपना फाइनेंस भी बहुत ज्यादा लगता है, है।, है? है ना आप लाते आपने कोई वेल्डिंग करानी है आपने कोई पीस ले आपकी मशीन कोई खराब गई है उसको ठीक कराना है आपके पेंट्स हमारा तो एक ब्रश ही तीन तीन चार चार हजार से शुरू होता है इतना सा ब्रश दो चार बाल उसमें लगे हुए हमारा ये बताइएगा करना चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में पढ़ना है जो आपके काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पजीरा ही मिलती है आपको अपने काम से थैंक यू सबका सबसे पहले तो और उसके बाद यही मैसेज मैं मोस्टली आर्टिस्ट लोगों को देती हूँ जो मुझे इनबॉक्स करके कह रहे होते हैं की हमें आ, मुझे पेंटिंग्स आ रही होती हैं कि मुझे ऐसी पेंटिंग बनानी है सेम ऐसी तो मुझे ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दें तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि कॉपी का वर्क ना किया करो प्लीज़ कॉपी काम ना किया करो लोगों का मैं हर हर इंटरव्यू के एंड पे ना यही कहती हूँ कि अपना काम करो अपने काम अगर मुझे कोई अपना काम सेंड करता है और मुझसे उसमें मशवरा मांगता है ना तो मैं दे देती हूँ मतलब इंस्टाग्राम पर भी मैसेज रिप्लाई दे देती हूँ बता देती हूँ लेकिन जब मुझे कोई इस तरह का मैसेज करता है ना कि ये देखिए ये पेंटिंग फलानी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की मैंने सेम ऐसी कॉपी करनी है तो मैं कैसे करूँ तो फिर मुझे बहुत अजीब लगता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो ऐसे मत किया करें प्लीज़ अपना काम खुद करें अपनी क्रिएटिविटी खुद बाहर निकालें अपने अंदर से खुद अपने जो है ना आइडियाज़ लेकर आएँ फिर आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी क्या बात है हमारा एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ कि हमारे जो से टैलेंटेड लोग हैं जिस तरह से आप आर्टिस्ट हैं चाहे कैलीग्राफ़र हैं आप मगर मैं ये सवाल करने जा रहा हूँ कि हमारे माशरे में ऐसा क्या रीज़न है ऐसी क्या रीज़न है क्या वजूहत है जिस वजह से डांसर जो डांस करने वाले दिनों दिन वायरल हो जाते हैं चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए हो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट जो हमारे माशरे में टैलेंटेड लोग होते हैं जिनमें स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते या फिर सोशल मीडिया में ज़्यादा आगे बहुत कम हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोग उनको बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं इसकी क्या रीज़न समझती है क्या वजूहत है इसकी अच्छा इसकी रीज़न ना उनका कसूर नहीं है किसी डांसर का कसूर नहीं है किसी मॉडल का किसी ऐसे लोगों की गलती नहीं गलती क्या वो तो वो भी तो टैलेंट दिखा रहे हैं ना उनका टैलेंट अगर आ, उस आर्ट की उस वाली फील्ड में तो वो दिखा रहे हैं मैं मेरा इधर है तो मैं इधर बट द प्रॉब्लम इज़ जो लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वायरल किसने करना होता है लोगों ने करना होता है अब मेरी वीडियोस के नीचे मेरे लास्ट टाइम एक जगह इंटरव्यू आता है वहाँ पर लोगों ने कमेंट किए हैं इस लड़की को वायरल होना चाहिए कौन करेगा वायरल आप नहीं करना है ना लोगों ने करना जब आप शेयर नहीं कर रहे वीडियो शेयर के बगैर आप नीचे लिख रहे हो इस लड़की को फलाना बंदी अपने शो में बुलाए वो फलाना को बुलाती है इसको नहीं बुलाएगी इस तरह की जब आप बातें करोगे तो भाई कोई क्यों बुलाएगा वायरल करने वाले आप लोग हैं तो समारा शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिनका ये कहना है कि वायरल करने वाले नाजरन आप लोग ही हैं जो लोग कमेंट्स करते हैं मैसेज करते हैं और लोग जो मैसेज भी ना करते हो कॉमेंट भी ना करते हो बट वो ये सोच रखते हो कि यार ये लड़की वायरल थी हो रही हो और डांस करने वाली लड़कियां वायरल हो गई हैं तो नाजन इनको आपने ही वायरल करना है आपने ही शेयर करना है अपनी गैरत को जगाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलो करें और समारा की बातों को आपने सीरियस लेना है इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि समारा भी मज़ीद वायरल हो मैं कहता तो हूँ इनको पूरी दुनिया से कॉल जाए ताकि ये वहाँ पर जाकर इंटरव्यूज़ दें और अपने टैलेंट को प्रमोट करें अगर ये अपने टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा अपने मेजबान को इजाजत दें अल्लाह हाफिज